आज के चिकित्सालय में जो मरीज आते हैं उनके लिए बड़ी सौगात दी गई है, आपके द्वारा बैठक ली गई, क्या क्या निर्णय लिया गया है और क्या नए यहाँ पर? आज सबसे पहले तो अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं देखें कि क्या क्या चीज़ की कमी है और उसके अंदर PMO, CMHO, ADM साहब, पूरे डॉक्टर्स, इनसे बात की कि अस्पताल में हमें क्या आवश्यकता है जिसका हम सुधार कर सकें। तो सभी से चर्चा करके, एक तो ऑक्सीजन, जिस तरह से कोविड के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी, उसके लिए हमने जो कंपनी या गैस बना रही है उनसे बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से उन्होंने उनको डायरेक्शन दिए और 50 सिलेंडर उसके लिए नए खरीदे का भी निर्णय हुआ और ऑक्सीजन कैसे आपूर्ति हो उसके लिए कंपनी ने इंश्योर किया गया, बाड़मेर में कोई कमी नहीं आने देंगे, शाम को हमें सौ गैस सिलेंडर देंगे। दूसरा, जो जांचें हो रही थी उसमें 12 बजे तक कर रहे थे, बाकी बाज़ार में जो जा रही थी उसके लिए हमने 2 शिफ्ट में, कल से ये 2 शिफ्ट से जांचें शुरू हो जाएगी, बाहर किसी को जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक्सरे मशीन के लिए जो 1:30-2 बजे तक जो चल रहा था उसको भी हमने 2 शिफ्ट में अब कल से शुरू किया, रात को 8 बजे तक भी एक्सरे हॉस्पिटल के अंदर होगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये तीसरा, जो एक्सीडेंट में जो केसेज जा रहे थे और उनके ऑपरेशन के लिए आपने बीच में भी बात हुई थी, डॉक्टर्स जब कमिश्नर साहब आए एक प्रकरण उसमें आया कि भाई बाज़ार से खरीदा, तो उसके लिए निर्णय हुआ कि जोधपुर में उन्होंने डिविजनल मुख्यालय पर पूरी जगह के टेंडर करा रखे, रेट तय कर लिए कि वो मटेरियल ऑपरेशन का ये रेट है, उस रेट से खरीद के और वाजिब रेट से खरीदें, उसका ऑपरेशन करें। और उनमें इन्होंने डॉक्टरों को भी आज डायरेक्शन यही दिया है कि आप ऑपरेशन रोकेंगे नहीं, ऑपरेशन करने हर हालत में, और जो पैसे लगते हैं वो उनसे लेकर और आप ऑपरेशन करें ताकि कोई पेशेंट जाओ बाहर रेफर नहीं। चौथा, जो कोविड पॉजिटिव पा रहे और जिसमें जो बीमार नहीं है, जिनके बुखार या लक्षण ऐसे नहीं है, सिम्टम्स उनके नहीं है, उनको घर पे क्वारंटाइन करने के लिए भी निर्णय कलेक्शा वगैरह ने उन सबने बैठ के दिया गया। अननेसेसरी उनको अपन हॉस्पिटल में या इन कोविड सेंटरों में भर्ती नहीं करें ताकि उनका मानसिक भी, वो परेशान होते हैं, फालतू का खाने में पीने में उनको घर का एक माहौल भी है, और उनको घर पे सुरक्षित रखें, उनके उनको भी जो भी रहेंगे उनको सुरक्षित व्यवस्था भी करेंगे क्योंकि कोई उनके पास नहीं जाए, और जो भी इसके लिए है आप सैनिटाइज का उपयोग करें, एक बंद कमरा में लेटरिन बाथरूम अटैच हो वहाँ हम रखने के लिए वहीं रखेंगे, ये भी निर्णय हुआ। लैब टेक्नीशियन की कमी थी, ये हम जब दो दो शिफ्ट में शुरू कर रहे हैं जाँचें वगैरह, तो उसके अंदर भी जो कुछ कॉलेज के अंदर ज़्यादा थे, कुछ CMHO साहब ने बाहर से कुछ गैस सिलेंडर भी आज 20 दिए, कल और 12-13 और दिए थे, और लैब टेक्नीशियन भी मंगाए ताकि ये दो शिफ्टों में सुन। तीसरा, जो बाड़मेर में ये डिस्पेंसरी है जहाँ डॉक्टर तो है नहीं, दो दो तीन तीन ANM वगैरह ये फर्स्ट ग्रेड कंपाउंडर लगे हुए थे, तो उनको इस हॉस्पिटल में लगाया ताकि यहाँ स्टाफ बढ़े, और जिस तरह से ये दूसरी भी बीमारियाँ हो रही है, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, तो उसके लिए हम उनको लगाकर स्टाफ की कैसे कमी की पूर्ति हो उसके लिए भी है। दूसरा, और भी इसमें टेस्टिंग के लिए जो और भी हम इसमें लेने के लिए PMO साहब को ये भी कहा कि आप हमारे RMR से भी आप कहीं आवश्यकता हो तो लैब टेक्नीशियन जरूरत हो तो वो लें, एक्सरे के अंदर भी 2-3 कम पड़ रहे थे तो उसको लेने की बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को भी बुलाया कि जो भी दवाई है, चाहे एनोसेस्थिया की हो, चाहे अन्य गायनिक में भी हो, जो भी हो मेडिकल कम पड़ रही है, उनके लिए बिना व्यवस्था हो ताकि मरीज को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर हमने ये भी कहा कि भाई ये नहीं है कि जितनी हो सके मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार मुफ्त दवाई दे रही है वो यूज़ करें, अगर वो यह नहीं है तो ये नहीं है कि हम बाहर की लिखे नहीं, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हो, बिल्कुल जो अस्पताल में और इनमें नहीं होगी तो आप बाहर
भी आप उनको खरीद सकते हो, उनके लिए लिख सकते हो, परंतु इतना ध्यान रखें कि जो अस्पताल में है वो ज़रूर उसको नहीं लिखे। ये काफ़ी आज जिन पर चर्चा हुई, सभी डॉक्टर्स वगैरह सबके सबने ये देखा कि हम इस व्यवस्था को अच्छी तरह से कैसे कर सकें, ये आज निर्णय हुआ। और मुझे उम्मीद है कि बाड़मेर की जनता को इसमें फ़ायदा मिलेगा, और आप सभी के माध्यम से बाड़मेर की जनता से भी कहना चाहूँगा, मास्क का उपयोग करें, दूरी मेंटेन रखें और सैनिटाइजर यूज़ करें, और यही तरीका है कि इस महामारी से बचने का उपाय है। सारी दुकानें हो, चाहे कहीं सरकारी अस्पताल हो, चाहे कहीं भी हो, ब्याह शादी हो, तो उसमें भी आप देखो जोधपुर में भी किया कर्फ्यू लगा दिया है, तो यहाँ हमें चाहिए कि भीड़ भाड़ हम नहीं करें, ब्याह शादी या फंक्शन ऐसे उसमें हम नहीं जाएं, अभी फिलहाल बंद रखें, तो ये हम सबके लिए इस महामारी में बचने के लिए बड़ा उपाय है, यही मेरी अपील है। सर, सोनोग्राफी की दो मशीनें हैं यहाँ पर, एक जगह पर सर 30 जाँचें हो रही है, और एक जगह पर जहाँ 3 डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पर 30 हो रही है, मतलब सोनोग्राफी की जाँचें कम हो रही है, मतलब शिकायतें मिल रही है? नहीं, ये सोनोग्राफी में अभी इस वक्त उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सोनोग्राफी की बार कोई भी जांच नहीं जाए, इसके लिए हम इनको पाबंद करेंगे। आपने ठीक अच्छा इशू उठाया, इसके लिए भी हम करेंगे, और भी कोई कमी पेशी हो तो आप भी आप देखें कि इसमें पानी की समस्या थी अस्पताल में, अभी उनसे बात की है कि हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था अच्छी हो, सफाई व्यवस्था के लिए चेयरमैन साहब हमारे नगर परिषद के पास भी थे, इनको भी कहा कि भाई यहाँ आप कैंपस की भी सफाई करो, प्लस अंदर भी जहाँ सफाई करनी है, क्योंकि हम सब का मामला इस महामारी में अब सब एकजुट होकर और टीम की भावना से अपन काम करेंगे, तो ये अब किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई इससे फायदा नहीं होगा, हम सब मिलकर इसमें काम करेंगे, यही आज निर्णय हुआ, और मुझे उम्मीद है कि जनता को इसमें फायदा मिलेगा।